नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह की संन्यास के बाद में दोबारा से वापसी होने जा रही है क्रिकेट के मैदान पर। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इसी बारे में, तो बने रहिए अंत तक। दरअसल दोस्तों, भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह मुश्ताक अली टूर्नामेंट के जरिए वापसी करने जा रहे हैं, जहां पर वो रिटायरमेंट के बाद वापसी करने जा रहे हैं। और दोस्तों, उनको पंजाब की टीम ने 30 सदस्यीय दल में शामिल किया है। इसके अलावा श्री संत, जो कि 7 साल का बैन झेलकर आ रहे हैं, वो भी केरल की टीम की तरफ से वापसी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2013 में आईपीएल में मैच में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी का आरोप लगा था श्री संत के ऊपर, और उसके बाद उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों, श्री संत पर लगा बैन जो है वो 7 साल का कर दिया गया, और 7 साल के बाद में अब श्री संत एक बार फिर से तैयार हैं वापसी करने के लिए। वहीं पर दोस्तों, वर्ल्ड कप विनिंग ऑलराउंडर युवराज सिंह ने पिछले साल जून में संन्यास ले लिया था। हालांकि उन्होंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पुनीत बाली के रिक्वेस्ट पर अपने होम स्टेट के लिए खेलना फिर से शुरू करने का फैसला किया है। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मोहाली के पीसीए स्टेडियम में ट्रेनिंग का वीडियो भी शेयर किया था। हालांकि दोस्तों, युवराज को फिलहाल घरेलू क्रिकेट में वापसी करने के लिए अभी भी बीसीसीआई की मंजूरी का इंतजार है। संन्यास लेने के बाद उन्होंने कनाडा में ग्लोबल टी20 लीग में हिस्सा लिया था, और युवराज ने अपने इंटरनेशनल कैरियर में 304 वनडे, 40 टेस्ट और 58 टी20 खेले हैं, और वो भी भारत के 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें कि मुश्ताक अली टूर्नामेंट का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जहां पर ये टूर्नामेंट 10 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक 6 स्टेट के बीच में खेला जाएगा। वहीं पर दोस्तों, मुश्ताक अली टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, और BCCI जो है वो फरवरी में मेगा ऑक्शन कराना चाहता है, और ये यंगस्टर्स के लिए अच्छा मौका होगा अपनी प्रतिभा दिखाकर IPL में एंट्री लेने का, जैसे कि देवदत्त पाडिकल ने किया था RCB में एंट्री लेकर। और दोस्तों, इसके अलावा यहाँ से अगर युवराज का प्रदर्शन अच्छा रहा तो फिर वो भी IPL में एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर है ये क्रिकेट के फैंस के लिए कि मेगा ऑक्शन होने वाला है, जहाँ पर सभी टीम्स दोबारा से बिल्ट होंगी, और जो टीम कमज़ोर है उनको फिर से मौका मिलेगा अपनी टीम बनाने का। खैर दोस्तों, आपको IPL पर और भी काफ़ी सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं हमारे चैनल पर, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।